पाकिस्तान में न्यूज चैनल के एक एंकर की मंगलवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मुरीद अब्बास की कराची के खैबाने बुखारी क्षेत्र में कैफे के पास एक व्यक्ति से विवाद हो गया था। इसके बाद व्यक्ति ने मुरीद को गोली मार दी। मुरीद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वे बोले न्यूज चैनल में एंकर थे। हमलावर ने भी खुद को गोली मारी। फिलहाल वह घायल है। एंकर को सीने और पेट में दो गोली मारी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान आतिफ जमा के तौर पर हुई। सुरक्षा बलों ने आरोपी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे थे, तभी उसने खुद को गोली मार ली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी के सीने में गोली लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया, मुरीद के साथ उसका विवाद हो गया था। इसके बाद वह कार में आया और एंकर पर खुलेआम फायरिंग कर दी। मुरीद को पेट और सीने में दो गोली लगी। डीआईजी दक्षिण शर्जील खराल ने बताया कि अब्बास के दोस्तों ने उन्हें घटना की सूचना दी। एंकर का किसी व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद था। उन्होंने बताया कि इसी घटना में अब्बास के दोस्त खिज्र हयात को भी दो गोलियां लगीं। खिज्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंकर की मौत पर दुख जताया और घटना की निंदा की। उन्होंने सिंध सरकार से मामले में कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। मुरीद की पत्नी पत्नी जारा अब्बास भी न्यूज एंकर हैं। जारा ने बताया कि हमलावर आतिफ मुरीद अब्बास का बिजनेस पार्टनर था। उनके बीच किसी बात लेकर विवाद हुआ होगा।